हेलो क्लास, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. गिरीश रघुनाथ कर्नाड बायोग्राफी वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन टुडे लेसन. यस स्टूडेंट, गिरीश कर्नाड, द फुल नेम इज़ गिरीश रघुनाथ कर्नाड. हम इनकी बायोग्राफी देखेंगे पॉइंट वाइज, टाइम लाइन वाइज, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, वर्क्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बन सकते हैं, किस तरह से इनके कुछ और भी पॉइंट्स टीवी सीरीज में वर्क किया है, कौन सी मूवीज़ है, फिल्म फेयर अवार्ड्स है, सो मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज क्लास. सो डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कन्नड़ राइटर, ये सब. द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, हम इनको पढ़ रहे हैं इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. सो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश के अतिरिक्त इन्होंने इन विच लैंग्वेज ही रॉट इन, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश इन विच लैंग्वेज, सो ही रॉट इन कन्नड़ ऑल्सो. ओके, इनके जो मोस्ट फेमस राइटर्स, इनकी जो राइटिंग्स रही इन कन्नड़, वो भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. और इंग्लिश का तो हम पढ़ ही रहे हैं. पॉइंट वाइज इनकी बायोग्राफी देखेंगे. ये बहुत अवेटेड वीडियो रहा है, कई स्टूडेंट ने मुझको बोला है इसको प्रिपेयर करने के, दैट इज़ वाई आज ही हम लोग के सामने है ये चैप्टर. और भी जो भी आपको ऐसे भी लेसन जो आपको नहीं मिल रहे हो, आप लोग उसको भी बता सकते हैं, तो हम लोग उसको भी आगे लेसन में पढ़ेंगे. ओके, सो गिरीश रघुनाथ कर्नाड इनका फुल नेम है. पिक्चर आप देख सकते हैं, एक्टिंग भी इन्होंने किया है. टीवी सीरीज़ जो कि रही मालगुड़ी डेज, उसमें इन्होंने वर्क किया है. और वैसे तो ये लेटेस्ट अगर हमको याद है तो एक बार हम कहेंगे एकता टाइगर मूवी में ये रहे, जो मेन बॉस होते हैं, है ना, याद होगा सभी को. चलिए टाइम लाइन वाइज हम देख रहे हैं इनका, एक मिनट. चलो तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट. 19th of May 1938 इनका जो बॉर्न है, 19 May 1938, मेद्रन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया. ओके, ये हमको याद रखना है, मेद्रन नाम याद रखना है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1938. डिमाइज 10th of June 2019, एज 81, बेंगलुरु कर्नाटक इंडिया. तो बेंगलुरु में इनका डेथ हुआ है. मेद्रन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जन्म हुआ है इन 1938 एंड 2019 81. एज इनको हमको याद रखना है. मदर कृष्णबाई मनकीकरा एंड डॉक्टर कर्नाड, राव साहब डॉक्टर कर्नाड इनके फादर रहे. एंड इनका एजुकेशन का, जैसे ग्रेजुएशन की हम बात कर लेते हैं, तो 1958 में इनका ये जो बीए हुआ है, बैचलर इन आर्ट्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स से हुआ है, फ्रॉम धारवाड़, ओके, कर्नाटक यूनिवर्सिटी. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इनका जो ग्रेजुएशन का ईयर हमको याद रखना है 1938. देखिए यहाँ पे 1958, ये 38 में बॉर्न है, तो जस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, 38 एंड 58, कंसिडर आप ट्रिक लगा के कनेक्शन करके ऐसे हम लोग इनको कंसिडर कर सकते हैं. गिरीश रघुनाथ कर्नाड, तो ये इनकी एजुकेशन होगी कर्नाटक आर्ट्स कॉलेज से 58 में बीए. एंड देन 1960 to 63 ही वॉज इन इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड में रहे. ये वहाँ से मैकडेलन से इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री कलेक्ट किया इन फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. ये वहाँ पे एज अ रॉड्स स्कॉलर गए थे. एक ये अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि इस स्कॉलरशिप के बेस पे वो स्टडी करने फॉरेन जाते हैं, तो ये उसी बेस पे गए थे. मैकडेलन ऑक्सफोर्ड से इन्होंने फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनको एमए का डिग्री मिल रहा है 1960 से 63 के बीच में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि टाइम लाइन वाइज हम कर रहे हैं कि क्या क्या ईयर्स जाते गए और उस बीच में इनको क्या क्या अचीवमेंट्स, इनके मेन रहे पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अदरवाइज इनकी बायोग्राफी बहुत डीप है, बिकॉज इनका जो फिल्म करियर है, डायरेक्शन का करियर है, एक्टिंग करियर है, दैट इज़ सो मच. बट हम यहाँ लिटरेचर मेन देखेंगे, बाकी वो भी डिस्कस, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे कि हाँ अगर यहाँ से साइड से क्वेश्चन आ जाते हैं. 1961 यायाति पब्लिश हुआ, इनका वेरी फर्स्ट प्ले दैट इज़ यायाति 1961. ओके, यायाति एक राजा होते हैं, उनकी कहानी होती है, बट से अदरवाइज हाँ ये कन्नड़ भाषा में रहा, क्योंकि बताया ना कन्नड़ में भी लिखा है इन्होंने. तो यायाति का जो वैसे मीनिंग होता है वर्ल्ड मीनिंग, वर्ल्डली जो इसका मीनिंग जाएगा, शाब्दिक अर्थ, शरीर से कोई ऐसा व्यक्ति जो शरीर से तो वृद्ध है बट मन से युवा है. ओके, तो ये इसका मीनिंग हो जाता है यायाति का, ये वर्ड हिंदी तो है नहीं. एंड 1962 to 1963 कर्नाड वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन. तो जैसा कि ये वहाँ रहे इस दौरान, तो वहाँ इनको इस दौरान ये प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनियन भी वहाँ पे इलेक्ट किए गए. देन इनका सेकंड प्ले आ जाता है तुगलक, वेरी इंपॉर्टेंट. तुगलक जो इनका प्ले रहा, ये 1964 में आता है स्टूडेंट, सेकंड प्ले रहता है इनका, सेकंड प्ले. ओके, तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है. यायाति 61, देन 3 ईयर्स आफ्टर 1964 तुगलक. हमारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे सीधे सीधे.
यायाती एंड तुगलक से, एंड देन देख लेंगे इनको 19 पॉइंट नंबर, जैसे कि 10 है तो 1963 से 1970 वर्कड विद द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चेन्नई फॉर 7 ईयर्स। चेन्नई में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस रहा वहाँ इन्होंने 7 ईयर्स, देखिए ईयर्स है वहाँ पे इन्होंने एज अ काम किया। ही रिजाइन टू टेक टू राइटिंग फुल टाइम एंड गॉट इन्वॉल्व विथ लोकल एमेच्योर थिएटर ग्रुप द मद्रास प्लेयर। ये नाम याद रखना है कि कौन से थिएटर ग्रुप से ये ऐड हुए थे स्टार्टिंग में अपने करियर में, द मद्रास प्लेयर्स रहा, और उसके पहले इन्होंने यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चेन्नई में 7 ईयर्स तक जॉब किया, बट उसको भी इन्होंने लेफ्ट कर दिया क्योंकि इनको अपना फुल टाइम राइटिंग में देना था। ओके, और इन्होंने थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। इनको मिलता है कर्नाटक का राज्य उत्सव अवार्ड 1970 में। अब अवार्ड्स भी जैसे टाइमलाइन वाइज पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम जब इन्होंने जॉब छोड़ा है इधर आगे 1970 की जो बात चल रही है, ही जस्ट गॉट राज्योत्सव अवार्ड। जैसा कि इन्होंने कई फील्ड में अपना जो है हुनर दिखाया, तो अगर एक्टिंग की बात कर ले तो वहाँ जो इनका डेब्यू हो रहा है स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है, ये 1970 में इनको राज्य उत्सव अवार्ड मिला था, उसी साल इनका जो है ना एक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग का डेब्यू हुआ था कन्नड़ लैंग्वेज में। कन्नड़ मूवी थी संस्कारा। ओके, 1970 में वो मूवी आई थी संस्कार, ये संस्कार जो नाम है इसका कन्नड़ से याद रख लेना, और एक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग दोनों ही इन्होंने इससे स्टार्ट किया था। देन इनका प्ले आता है हयावदन, देखिए पहले यायाती देन तुगलक, ये वाईटी यूट्यूब वाईटी, ओके एंड देन हयावदन। ओके, तो ये हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना है। 61 में यायाती आ रहा है, 64 में तुगलक आ रहा है, एंड 71 में आपका आ रहा है हयावदन। इम्पॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन यहीं से आएंगे, अगर उनको कुछ नहीं देना डीप देना है तो आ सकते हैं मोस्ट क्वेश्चन, बट अगर सरफेस के क्वेश्चन में बस यही है इनका नेम फुल नेम इनकी वर्क फर्स्ट प्ले या फिर तुगलक, तो तुगलक से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तुगलक किसका वर्क है, तो हमारे गिरीश कर्नाड जी का है। एंड 1972 टाइमलाइन जैसे हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 14 देखिए, 1972 में क्या है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड वर्थुर नव्या अवार्ड। जैसे कि लिटरेचर के मूवमेंट होते हैं तो ये नव्या करके एक मूवमेंट था लिटरेचर में, उससे भी जुड़े हुए थे ये, अगर इनकी बात करें विच लिटरेरी मूवमेंट ही बिलोंग्स तो ऐसे, और ये इसका इनको वर्थुर नव्या अवार्ड भी मिलता है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिलता है 1972 में। 1974 में इनको मिलता है पद्मश्री, यस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई ही इज़ इन अवर सिलेबस। मैं बोलती हूँ हमेशा ये जो जितने भी जो अवार्ड विनर राइटर्स होते हैं इनको पहले ही इस लिया ही जाता है सिलेबस में, ठीक है, ये ज्ञानपीठ अवार्ड ही हो गए, साहित्य अकेडमी अवार्ड ही, एंड पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, तो ये इतने इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं इन अवार्ड्स की बदौलत, इनका वर्क ये होते ही इतने अलग हो जाते हैं फिर, है ना। तो पद्मश्री इनको 1974 में मिला है, ये ईयर याद रख लेना अवार्ड के, एज इट इज़ क्वेश्चन बनता है कि किस साल इनको पद्मश्री मिला। ओके, 1977 एंड 88 के टाइम क्या हो रहा है, कई लोगों का ये बर्थ ऑफ ईयर हो, ईयर ऑफ बर्थ होगा लगभग जो प्रिपरेशन करते हैं और उनसे छोड़, ही वॉज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एज विजिटिंग प्रोफेसर, तो यानी कि विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे ये, जैसा कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो विजिटिंग प्रोफेसर रहे कहाँ पर, शिकागो यूनिवर्सिटी में 1987 से 88 के बीच, क्योंकि जैसे ऊपर मैंने बताया ना एक्टर डायरेक्टर, ओके स्क्रीन राइटर लिटरेचर प्ले राइटर कन्नड़ में राइटिंग कर रहे हैं, तो ये भी उसमें जोड़ लेना कि विजिटिंग ये प्रोफेसर भी रहे, तो प्रोफेसर रहे तो कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में विजिटिंग प्रोफेसर। देन आ जाते हैं इनको पद्म भूषण मिला है 1992 में, देखिए उसके बाद इनको मिला है 1992 सेम ईयर्स कन्नड़ साहित्य परिषद अवार्ड, कन्नड़ साहित्य परिषद अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको 1994 में। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट ये है कि एस ए ए तो इनको मिला है यार, ईयर भी आप याद कर लेना 1994, ओके, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है वो कन्नड़ भाषा के लिए मिला है, कन्नड़ भाषा में जो इनका एक वर्क है तालिन डेंडा उसके लिए मिला है। देखिए मैं बताती हूँ आपको अभी, टी ए एल ई एन एल ई
डी टाले डेंडा। इस वर्क के लिए इनको अवार्ड मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड कन्नड़ भाषा के लिए। प्लीज़ याद रख लेना कन्नड़ लैंग्वेज के, हम पढ़ रहे हैं ना क्योंकि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, बट ये अवार्ड इनको कन्नड़ भाषा के लिए मिला है। अगेन 1998 में ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर लेते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड, देखिए ज्ञानपीठ की स्पेलिंग पे जाएंगे, जिनको नहीं पता है उनको पता है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो ज्ञानपीठ की स्पेलिंग है, जो हम लोग हिंदी में ज्ञा बनाते हैं उसको, उसका इंग्लिश वर्जन JN होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पे ज्ञानपीठ की स्पेलिंग कैसी लिखी आप समझ सकते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है 1998 में मिला है, अगेन फॉर कन्नड़ लैंग्वेज। ओके, बिकॉज इंग्लिश में ज्ञानपीठ सिर्फ एक ही को मिला है, दैट इज़ अमिताभ घोष, है ना। तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना कि अरे अमिताभ घोष को मिला है यहाँ, तो फिर ये मैम क्या बता रहे हैं, नहीं, ये कन्नड़ भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ओके, देन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो कालिदास सम्मान होता है वो भी इनको मिला है 1998 में। ऑनरी डिग्री इनको कहाँ से मिली है, कैलिफोर्निया, देखिए शिकागो में ये विजिटिंग प्रोफेसर रहे, अगेन USA से ही इनको मिलती है ऑनरी डिग्री, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से 2011 में। ये इनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स हमने अभी लाइन वाइज से देखे हैं, टाइम लाइन वाइज देख रहे हैं, देखिए 92, फिर उसके बाद 94 में क्या हुआ, 98 में मिला, देन 2011 में, ये सब टाइम लाइन वाइज है। अभी अलग से भी सारे एक उसमें मैं आपको इनके अवार्ड्स अचीवमेंट्स एंड वर्क्स तो बताऊंगी ही, पर ये टाइमलाइन वाइज है। तो हमको ऑनरी डिग्री कहाँ से मिली है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिरीश कर्नाड हेड, अब ये कुछ अलग से जो इनके पॉइंट बन जाएंगे क्या इनके रहे जो हम पढ़ें, इन्होंने अपनी वॉइस दी है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो विंग्स ऑफ फायर का जो ऑडियो बुक टर्न, उसको जो ऑडियो बुक में रिकॉर्ड किया गया विंग्स ऑफ फायर को, तो उसमें आवाज़ इन्हीं की ही है। ओके, गिरीश कर्नाड ने अपनी वॉइस दी है इनकी ऑटोबायोग्राफी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड देन इनका जो डेब्यू, हम एक अगर एक बार में देखें इन अवियो, तो कौन कौन से डेब्यू रहे और कौन कौन से ईयर में रहे, तो कन्नड़ फिल्म स्क्रीन राइटिंग का रहा इनका संस्कार का 1970 में रहा। उसके पहले उन्होंने प्ले स्क्रीन राइटिंग जो लिखा था माँ निषाद, ठीक है, 1960 में। तो स्क्रीन राइटिंग जो करते हैं मूवीज़ का, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, दैट इज़ ओके। डायरेक्शन का इनका रहा फर्स्ट वंश वृक्ष, ठीक है, और ये क्या है, सब ये सब कन्नड़ के ही हैं स्टूडेंट। ओके, ही वॉज अ प्रेजेंटर फॉर अ वीकली साइंस मैगजीन प्रोग्राम कॉल्ड टर्निंग पॉइंट दैट एयर्ड ऑन दूरदर्शन इन 1991 में। टर्निंग पॉइंट करके एक जो साइंस मैगजीन प्रोग्राम आता था, तो उसमें भी ये प्रेजेंटर रहे, होस्ट उसमें ये थे, है ना। ऑटोबायोग्राफी, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है, तो वो भी हम देख लेंगे। अदाथा आयुष्य पब्लिश्ड बाय मनोहर ग्रंथमाला 2011। ओके, तो ये ऑटोबायोग्राफी हो जाती है इनकी। टीवी सीरीज़ में जैसे कि उन्होंने एक्टिंग किया है, वर्क किया है टीवी सीरीज़ में, तो वो बहुत ही बहुत शॉर्ट में समझ रहे हैं, बिल्कुल स्टूडेंट बहुत वाइल्ड था क्योंकि इनका ये वर्क का, मगर इनकी बायोग्राफी जब देखी तो क्या स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट्स मैंने लिए हैं। तो मालगुडी डेज जो स्वामी इसके जो फादर बने थे, ये जो मालगुडी डेज है सभी को पता है आरके नारायण जी का वर्क है, और जब इसकी टीवी सीरीज़ बनी थी तो उसमें इन्होंने स्वामी के फादर का रोल किया था। ओके, 1987 में यह टीवी सीरीज शो हुई थी, एंड उसमें एक और जो एपिसोड था वॉचमैन, उसमें भी ये रहे एंड उसमें ये वॉचमैन बने थे। ऐसे टीवी सीरीज का हो गया इनका, ठीक है, दोनों याद रखते हैं ना, मालगुडी डेज एंड द वॉचमैन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इनका स्टूडेंट, देखिए इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पे आ जाते हैं। कन्नड़ के प्ले हम देख लेते हैं, कन्नड़ लैंग्वेज के, देखिए माँ निषादा वन एक्ट प्ले है, यायाति तुगलक हायावदन, ये मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार बता रही हूँ, फिर भी ये बाकी क्यों लिए गए हैं, ये कि आपके अवेयरनेस रहे कि हाँ ये भी इनके ही, देखिए ये है जो इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 1994 में और इन्होंने ये वर्क लिखा था 1990 में। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये कौन सा है, अंजू मलिक, हितिना हुंजा, अकाबाली, ये सब इनका मीनिंग है, द सेक्रीफाइस इसका मीनिंग है, अगेन ये जो है नागमंडला प्ले विद कोबरा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, अग्नि मट्टू मेल 1995 में, टीपू सुल्तान, कांडे कैनासू, द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, ये सब इनके कन्नड़ वर्क हैं इंस्टूडेंट, ये कंसिडर कर लेना आप। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इसके लिए इनको कन्नड़ भाषा के लिए, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट कंसिडर है। अदरवाइज ये इनका वन एक्ट प्ले है, कौन सा है, तो माँ निषाद है, और बाकी ये त्री तो है ही इनके, यायाति तुगलक एंड हयावदन। ओके, YTH, हाँ यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म। देन
इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हुए हैं वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि इनके वर्क तो फिर वहीं से तो ट्रांसलेट हुए हैं। तुगलक, हयावदन, यायाति, नागमंडला, फायर एंड द रेनबॉल, द सेक्रीफाइस। ठीक है, जो द सेक्रीफाइस ये वही है ना, देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ये वाला, देखिए इसका ट्रांसलेशन है वो, ओके, द सेक्रीफाइस अ कबॉली। तो ये है इंग्लिश में हम लोग इसका देख ही रहे हैं। देन ताले डंडा, वेडिंग एल्बम, बॉयल बीन्स ऑन टोस्ट, क्रॉसिंग टू तालीकोटा, ये सारे इंपॉर्टेंट इनके हो जाएंगे। अगेन तुगलक, हयावदन एंड यायाति इस लिस्ट में भी आपको टॉप 3 दिख ही रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट, प्लेस ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। ओके, देन इनके जो पॉइंट बनेंगे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स से बन जाएंगे, कि इनके अगर एक आप एक व्यू में देखें इनके सारे अवार्ड्स तो क्या क्या हो जाएंगे। राज्य उत्सव अवार्ड 1970, संगीत नाटक अकेडमी एंड वर्थुल नव्य अवार्ड 1972, पद्मश्री 1974, पद्म भूषण 1992, ओके, एंड देन कन्नड़ साहित्य परिषद अवार्ड 1992 एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1994, एंड ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है 1998 में स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मेन हमको याद रख लेना है, ज्ञानपीठ तो ये इसमें आप याद ये रख लेना कि कन्नड़ भाषा के लिए इनको मिले हैं, है ना। और इंग्लिश लिटरेचर में इनके सारे जो वर्क हैं वो पब्लिश हुए ट्रांसलेट होके, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कालिदास सम्मान जो है इनको मिल रहा है 1998 से, MP गवर्नमेंट का होता है ये, और ये तो आपको बता ही दिया, ऑनरेरी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया से इनको मिल जाती है। इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनके वर्क्स और टेलीविज़न सीरीज़ कौन सा इन्होंने वर्क किया, टर्निंग पॉइंट DD1 में जो एक साइंस प्रोग्राम आ रहा है उसको होस्ट किया है, एक्शन डायरेक्शन। इसके अलावा स्टूडेंट जैसे कि इनका राइटिंग एक्टिंग करियर बहुत ही वाइड रहा, इन सो मैनी लैंग्वेज, इन सो मैनी मूवीज़ उन्होंने वर्क किया है, इन कन्नड़ लैंग्वेज ऑल्सो एंड इन इंडिया इंडियन सिनेमा, इन बॉलीवुड ऑल्सो, तो उसका तो इनका अलग ही पूरा ग्राफ चला जाता है। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले हैं डायरेक्शन के लिए, स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए, ओके, फिल्म फेयर्स भी मिले हैं, तो वो अलग हो जाता है। अगर उनको रखते तो ये बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाता, बट हाँ इधर मैंने लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अवार्ड्स इनके कंसिडर कर लिए हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। तो ये आज के लेसन में हमने पढ़ लिया गिरीश कर्नाड की बायोग्राफी, वेरी शॉर्ट फॉर 30 पॉइंट्स स्टूडेंट्स, एंड सब इंपॉर्टेंट है। इनके राइटिंग, इनका फुल नेम दैट इज़ गिरीश रघुनाथ कर्नाड आपको याद रख लेना है, इनका डेथ ईयर, इनका बर्थ ईयर, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमको यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। और बाकी इनका आप इनको देख भी सकते हैं कि क्या इनका अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए फेस वाइज भी, वैसे बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के गिरीश रघुनाथ कर्नाड। और आज के लेसन में स्टूडेंट्स इतने ही पॉइंट्स, और आपने इसको लेसन को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिनको इसकी रियली ज़रूरत है, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप लोग शेयर करें। इसको हेल्प भी कहते हैं हाँ दूसरी भाषा में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।